नमस्कार, एडल स्टफ के पेज पे मैं प्रीति त्रिवेदी, प्रभारी प्रधानाध्यापिका, कंपोजिट विद्यालय महमूरगंज, वाराणसी जनपद से आपके समक्ष हूँ आज गणित की कुछ गतिविधियों को लेकर। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ एडल स्टफ की पूरी टीम को, जिसने मुझे ये मंच प्रदान किया और अवसर दिया, और मैं उन सभी साथियों को हृदय से अपना धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जो मुझे आज सुन रहे हैं या मुझे सहयोग कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में मुझे सहयोग कर रहे हैं। तो मैं सबका, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ आज की संध्या में। हो सकता है मुझसे कुछ त्रुटियाँ हो, मानो हो तो त्रुटियाँ संभव है, आप अपना सहयोग देंगे और अग्रिम क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए, आप जुड़ रहे हैं तो मैं शुरू करती हूँ आज की इस शाम में। कुछ प्रयास करती हूँ मैं बच्चों के लिए और आपके लिए कि आज गणित की कुछ बातें करूँ आपसे। हम सबके जीवन में मैथमेटिक्स हर तरीके से जुड़ा हुआ, सुबह से शाम तक हम सो के जगने से लेके घड़ी देखने से लेके अपना सारा मेजरमेंट कैलकुलेशन के आधार पर करते हैं। तो हमारी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों को पता है, जो आकृतियाँ हैं हमारे बच्चे देखते हैं, लूडो खेलते हैं तो उन्हें वर्गाकार शेप मिलता है। अगर हम बच्चों से पूछेंगे कि कैरम बोर्ड, लूडो, शतरंज किस शेप के हैं तो वो वर्ग के शेप के हैं, और जैसे ही लूडो को बंद करते हैं, मोड़ते हैं, वो आयत के रूप में हो जाता है। तो हम उन्हें दिखा के ही समझा सकते हैं कि ये वर्ग है और ये आयत है। सारी भुजाएं बराबर है तो ये वर्ग हो गया और रुमाल के शेप का है, और जब हमने इसको मोड़ दिया तो ये आयत के शेप में हो गया। इसके साथ साथ हम उन्हें ये भी बता सकते हैं कि ये आयत जो है इसको जैसे जैसे राउंड कर दिया ये सिलेंडर के शेप में हो गया, और आयत की एक भुजा सिलेंडर की ऊंचाई हो गई, एक भुजा जो है वो इस सर्कल की परिधि हो गई, सिलेंडर के ढक्कन की परिधि हो गई। इसी तरह से हम त्रिभुज में भी आप देखते हैं, ये त्रिभुज अगर हम इस तरह से मोड़ देते हैं वर्ग को तो भी त्रिभुज बन जाता है, एक और बार मोड़ दिया तो ये हम देख रहे हैं कि वर्ग के दोनों जो विकर्ण हैं एक दूसरे पे लंबवत हो गए, ये 90 अंश का कोण बन गया। तो चलिए, आज हम सर्किल की बात करने आए हैं तो वृत्त की बात ही करते हैं। सबसे पहले एक वृत्ताकार चक्की लेते हैं, ये देखिए ये क्या है, वृत्त है। अगर इस वृत्त को हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे या कट कर देंगे तो ये क्या हो गया, हाफ सर्किल यानी अर्धवृत्त हो गया। ये वृत्त का व्यास है, व्यास यानी डायमीटर, और बीच में ये इसका केंद्र है। तो चलिए, अगर हम अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं, मैं इसको आधा कट कर देती हूँ, ये अर्धवृत्त बन गया। अब मान लिया इस तरह का कोई मैदान है तो हम इस अर्धवृत्त के किसी सिरे पे एक बच्चे को खड़ा कर दें, जैसे यहाँ खड़ा कर दिया मैंने बच्चे को, एक यहाँ खड़ा और एक यहाँ खड़ा, माने डायमीटर यानी व्यास के दो कोने पे एक एक बच्चे खड़े और एक कहीं भी इस परिधि पे खड़ा है, और उसे अगर डोरी पकड़ा दे तो कैसा कोण बनेगा, किस अंश का बनेगा। अगर हम चाहें तो उसको पॉइंट आउट करके कट करके भी दिखा सकते हैं, जैसे मैंने एक बच्चे को यहाँ खड़ा किया, एक को यहाँ और एक को यहाँ। हम पहले इसको कट करके देखते हैं, स्केल से मिलाते हैं और कट करके देखते हैं, कहीं पर भी हम मिला सकते हैं, बस दोनों सिरे से किसी भी बिंदु से, सर्किल के परिधि के किसी भी बिंदु से हम मिला सकते हैं। ये मैंने मिला लिया इस तरह से, ठीक से दिख रहा है। अब इसे मैं कट करती हूँ, ऐसे कट कर दिया ये। अब ये कितने का कोण बना, ये कितना कोण बना, एंगल बना। तो हम देखते हैं कि ये किसी भी पॉइंट पे हम बनाते हैं एग्जैक्ट 90 डिग्री का ये एंगल बन जाता है, ये देखिए 90 डिग्री। इसी को हम इस आज आपको इस TLM के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। मैंने ये एक लकड़ी की तख्ती ली है जिसपे कांटी से ये पॉइंट्स बनाए सर्कुलर, तो ये परिधि पर किनारे किनारे कुछ तीलियाँ या कांटी लगाई है, बीच में एक मैंने कांटी लगा दी है, इसके केंद्र को बता रही है। अब यदि हम कोई रबर बैंड लेके इस सर्किल पे सीधे ऐसे लगा देते हैं, ये देखिए व्यास हो गया, हाफ सर्किल इधर, हाफ सर्किल इधर हो गया, अर्धवृत्त बन गया। अब हम किसी भी बिंदु से यानी किसी भी कांटी से इस रबर बैंड को अर्धवृत्त के व्यास के एक कोने से कहीं भी मिला दें, जैसे मैंने इस कांटे से मिलाया तो दूसरे कोने को भी यहीं से मिला दें। अब हम देखते हैं कि ये
कोण जो बना इसे हम अर्धवृत्त का कोण कहते हैं। तो व्यास के द्वारा परिधि के किसी भी बिंदु पे बने हुए कोण को हम अर्धवृत्त का कोण कहते हैं। अब ये कितना बना हमें देखना है। तो एक आसान सा तरीका मैं बच्चों को बताती हूँ कि किसी भी पेज का ये जो किनारा होता है ये 90 अंश का होता है। अब आप इससे भी नाप सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री का बन रहा है। हम किसी दूसरे बिंदु पे देखें या सर्किल के दूसरे तरफ किसी भी पॉइंट पे देखें, मैंने मान लीजिए यहाँ लगाया और दूसरी रबर बैंड यहाँ से ऐसे लगाई, अब फिर हम देखेंगे ये 90 हो रहा है कि नहीं। एग्जैक्ट 90 डिग्री का ये कोण बन रहा है। इसे हम चांदा से प्रोजेक्टर से भी नाप सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा 90 अंश का है। थोड़ा क्लोज करके दिखा दीजिए और ये भी पूरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस तरह से हम विभिन्न बिंदुओं पे लगा के देखते हैं बच्चों की मदद से। तो ये देखते हैं कि हमेशा किसी भी व्यास के द्वारा परिधि के किसी बिंदु पे बना हुआ कोण हमेशा 90 ही अंश का होता है। ये देखिए फिर से मैंने बनाया और फिर से ये नापा, ये देखिए एग्जैक्ट 90 डिग्री है। तो ये उदाहरणा स्पष्ट हो गई कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अब जैसे ये मेरे पास कुछ अर्धवृत्त मैंने बनाए हैं, भी हम नाप के देख सकते हैं हर साइज का है, या वृत्त किसी भी साइज का हो हमें साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम इसके सर्किल पे परिधि पे कोई भी बिंदु ले लें, मान लिए कि ये एक ए बी एक वृत्त है और इस पर हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, कहीं भी एक ले लीजिए, मैंने यहाँ पे ले लिया मान लीजिए। तो अब इसे हम मिला देते स्केल से, इसका दोनों सिरा मिला दें, एक इधर से मिलाया और इधर दोनों किनारों से मिला लिया। अब हम इसे नाप के देखते हैं कितना कोण बना। देखिए एग्जैक्ट 90 डिग्री का यानी समकोण बनता है। तो हम विभिन्न वृत्त के परिधि पे बना बना के ये देखते हैं कि हमेशा अर्धवृत्त का कोण समकोण ही होता है। तो ये एक 7th क्लास का हमारा ये जो सिद्धांत था ये प्रूफ हो गया। इसी तरीके से हम एक और 8th क्लास में हमारा सिद्धांत है आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए ज्यामिति का एक और कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम इसी TLM से प्रूफ कर सकते हैं। जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण या परिधि पे बना कोण। तो ये वृत्त है और अगर व्यास के अलावा हम कोई लाइन लेते हैं तो वो जीवा हो जाएगी। तो चलिए हम एक जीवा के द्वारा ले रहे हैं, ये मैंने इस वृत्त की एक जीवा बनाई, नज़र आ रही है। अब इस जीवा से हम एक कोण बना देते हैं केंद्र पर, ये बन गया जीवा के द्वारा केंद्र पे बना कोण। और इसी जीवा के द्वारा हम परिधि के किसी दूसरे बिंदु पे कहीं भी, तो ये हम एक केंद्र पे बना दिए और एक परिधि पे बना दिए। अब हम देखते हैं दोनों में क्या संबंध है। चलिए इसके लिए मैं एक पेपर लेती हूँ, उस पर ड्रॉ करके पहले देखती हूँ। मैंने इसके नीचे एक पेपर लगा दिया, ये देखिए पहले एक रफली बना दो फिर कॉपी पे हम लोग बना के देख लेंगे। ये देखिए मैंने ये पेपर लगा दिया, एक पॉइंट मैंने ये केंद्र का ले लिया, एक पॉइंट ये जो लाइन जा रही है और एक इधर ये लाइन जा रही है, देखिए यहाँ लगा दिया पॉइंट। अब मैं ड्रॉ कर लेती हूँ कि ये कितने अंश का कोण बना, स्केल से ड्रॉ कर लो। चलिए ये कोण बना देख रही हूँ कट करके, अगर सही सही बन गया मेरे पेपर पे तो मैं उसके हिसाब से कट इस पेपर पे लगा के देख लूँ सही सही बना है या नहीं। ये देखिए यानी ये जो कोण है, अगर ए और ये बी है ये ओ है, तो कोण ए ओ बी मेरे इस पेपर पे ड्रॉ हो गया है, ये वाला कोण है ए ओ बी। अब मैं इसको पेपर मोड़ के हाफ कर देती हूँ, ये देखिए ऐसे मैंने मोड़ दिया पेपर जस्ट हाफ, ये देखिए हाफ हो गया। इसको मैं यहाँ लगा के देखती हूँ
कि ये इस दोनों के कोण में, अब ये ऊपर वाला जो कोण है देखिए एग्जैक्ट नीचे वाले कोण से ये ऊपर का कोण जस्ट हाफ है, दिखाइए तो जरा सा ये। तो इस जीवा के द्वारा परिधि पे बना जो कोण है उसका जस्ट डबल है केंद्र पे बना, ये देखिए पेपर की कटिंग से मैं दिखा रही हूँ, इसी को मैं डबल कर देती हूँ और यहाँ देखिए तो जितना कोण यहाँ बन रहा है, अगर मैं इसका नाम ओ देती हूँ, ये ए है और ये बी है, तो कोण ए ओ बी जितना है वो किसके, अगर ये पॉइंट डी है तो ए डी बी का डबल है, ये कोण डबल है और ये उसका हाफ है। तो इस तरह से हम TLM के माध्यम से बच्चों में सर्किल पे बने कोण की अवधारणा स्पष्ट कर सकते हैं और फिर इसे हम कॉपी पे ड्रॉ करके बच्चे लोग अपनी कॉपी पे इसको आप ड्रॉ करके और विभिन्न कोणों को नाप के हम देखेंगे कि हर सर्किल में ये बात प्रूफ हो रही है कि नहीं। जैसे मैंने अभी जीवा की बात की थी तो आप जीवा से भी यहाँ से एक कोण बना सकते हैं, ये देखिए जीवा के द्वारा केंद्र पे बना कोण और एक बार परिधि पे बना कोण, दोनों में क्या संबंध है ये देखिए। ये ओ हो गया तो ए ओ बी और इसी से मैं ऊपर कहीं भी मिला देती हूँ, ए से किसी भी पॉइंट से देखिए किसी भी पॉइंट से, मैंने मान लीजिए डी से मिला दिया तो हम क्या देख रहे हैं कि एंगल जो ए ओ बी है, ए ओ बी एंगल ए ओ बी ये जस्ट डबल है ए डी बी के, एंगल ए डी बी के डबल है। इस तरह से हम विभिन्न पॉइंट्स पे लगा के देख सकते हैं कि जीवा के द्वारा केंद्र पे बना कोण और जीवा के द्वारा परिधि पे बने कोण का क्या संबंध होता है। तो मुझे लगता है कि आज ये सेशन आपके लिए थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा। इसी तरह से हम सर्किल के विभिन्न बिंदुओं को भी बच्चों को स्पष्ट करा सकते हैं, एक बार फिर से हम पूछ सकते हैं कि बच्चे इसमें बताइए जीवा कौन सी है, तो ये जीवा है, ये त्रिज्या है और अगर हम त्रिज्या को डबल कर दें यानी यहाँ से सीधे सीधे अगर हम सामने वाले यहाँ लगा दें तो ये व्यास हो गया, ये परिधि है और इस तरह से सर्किल की अवधारणा हम इस तरह से बच्चों से ऐसे TLM के माध्यम से सर्किल के हर भाग की अवधारणा स्पष्ट कर सकते हैं और उनके बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शायद आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करेंगे। धन्यवाद।